हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने जो है यहाँ स्क्रीनिंग तक जो है पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि कल के वीडियो में हमने कहाँ से शुरू किया था और क्या क्या चीज़ें जो है हमने कवर करी थी। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ से शुरू करा था फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? तो फ्यूज जो है कपास के जो रेशे होते हैं, जो जिसको हम रुई बोलते हैं, कॉटन, तो उसको गन पाउडर के साथ जो है मिला करके और उसके ऊपर वाटर प्रूफ लेयर चढ़ा करके और बनाया जाता है। ठीक है, फिर इसका उपयोग जो है ब्लास्टिंग के दौरान जो है आग आग को जो है पहुंचाने में किया जाता है। इसकी जो जलने की दर होती है वो 60 सेंटीमीटर पर मिनट होती है या 10 mm पर सेकेंड होती है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है। फिर इसके बाद से हमने डेटोनेटर को देखा था कि डेटोनेटर क्या होता है। तो डेटोनेटर एक एल्यूमिनियम या कॉपर की ट्यूब होती है जिसको बैटरी की सहायता से स्पार्क उत्पन्न होता है उसमें। ठीक है, फिर ब्लास्टिंग के लिए क्या क्या हम करते हैं, ठीक है, लिए कौन कौन से स्टेप करते हैं। तो पहले हम बोरिंग करते हैं, यानी कि होल बनाते हैं, फिर इसके बाद होल को साफ करते हैं, फिर क्लीन करते हैं, फिर उसमें बारूद भर के कुटाई करते हैं और फ्यूजिंग एंड फायरिंग करते हैं। तो उसमें फ्यूज लगाते हैं, फिर इसके बाद से आग लगा देते हैं। फिर ये लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये हमने देखा था। तो ये जो रॉक में होल बना है उससे वो मिनिमम दूरी है जहाँ से जो विस्फोट होने के बाद जो गैस बनेगी वो बाहर निकल सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी थी। फिर इसके बाद से हमने देखा था कि जो क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे, जो एक्सप्लोसिव है, हम जिस चट्टान को हम ब्लास्ट करके ब्लास्टिंग द्वारा क्वेरी करेंगे तो उसके जो है एक्सप्लोसिव की मात्रा उसमें कितनी रखेंगे, तो अप्रोक्सीमेट जो है उसकी मात्रा हमें इस फार्मूले से मिलती है। ठीक है, LLR का स्क्वायर और अपान में 0.008। और यहाँ पे LLR क्या है, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस इस फार्मूले में मीटर में रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद से ड्रेसिंग के हमने विधि देखी थी कि किस किस प्रकार से जो है हम स्टोन की ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो इसमें कई सारी मेथड था, एक्स के द्वारा प्लेन फिनिशिंग करके, पॉलिश करके, सर्कुलर फिनिश करके, कॉन्ड फिनिश करके, बोस्टेड फिनिश या ड्रॉप फिनिश करके, फिर टूल्ड फिनिश और इसके बाद से रेटिक्यूलेटेड, वर्मिक्यूलेटेड, ये सारे जो है फिनिश के नाम है। तो इसमें जो है जैसे कि टूल्ड फिनिश है, बोस्टेड फिनिश है, ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कॉन्ड फिनिश है, जैसे सर्कुलर फिनिश में पूछा जाएगा कि हम कहाँ पे करते हैं, तो हम कॉलम बनाने के लिए कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है इम्पोर्टेंट था। फिर इसके बाद से हम ड्रेसिंग के दौरान जो है कौन कौन से टूल्स का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऊपर जो है फिगर में ये सारे जो है टूल्स जो दे रखे हैं यहाँ पे, ये ब्लास्टिंग के लिए टूल्स यूज करते हैं ये सब। और इसके बाद से ये दो क्वेश्चन हमने देखे थे, ठीक है, और कर्सर देखे थे कि इस स्टोन को तोड़ने के लिए कौन कौन से हम लोग कर्सर का मशीन का यूज करते हैं। फिर इसके बाद से इस स्टोन को उसके साइज के अनुसार अलग करने के लिए कौन कौन से जो है हम स्क्रीन का यूज करते हैं, स्क्रीन मतलब चालनी का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमने कल के वीडियो में कवर करा था और यहीं पे मैंने आपको थैंक यू बोला था। तो अब हम क्या करते हैं, इसके आगे जो है कंटिन्यू करते हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्टोन होता है उसका क्षरण जो है कैसे होता है। मतलब कि वो पहले ज्वालामुखी के द्वारा, वो पहले क्या है कि एक पूरी रॉक बनी हुई है, ठीक है, तो उसका विघटन जो है किन किन माध्यम के द्वारा होगा, कैसे कैसे होगा, ये सारा चीज़ें जो है हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया है, बस उसको यहाँ पे नोट कर लेना है। और जब ये इसका विघटन होगा तो अलग अलग विधियों के द्वारा होगा, तो हम इसको जो है कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, ये रॉक है तो रॉक से ही हम क्या करेंगे, ये रॉक है तो इससे ही हम जो है स्टोन प्राप्त करेंगे
और स्टोन का यूज हम सीधा जो है बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं तो हम सीधा बिल्डिंग में अपने यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे भी ये इसका मतलब क्षरण हो रहा है, तो अब बिल्डिंग में यूज करेंगे तो वहाँ पे भी क्षरण होगा इसका। तो हम जो है इसको कैसे बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, ये भी चीज़ें हम सीखेंगे। फिर इसके बाद से हम सीखेंगे कि स्टोन पे जो है हम कौन कौन से टेस्ट जो है करते हैं, ठीक। तो चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आज की हेडिंग रहेगी हमारी पहली हेडिंग की डिटेरियोरेशन, DETERIORATION, डेटरियोरेशन ऑफ रॉक, ठीक। तो ये हमारी पहली हेडिंग रहेगी, ठीक है ना। अब देखो डेटरियोरेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है क्षरण। अगर हिंदी में आप लिखना चाहो तो लिख लो क्षरण, ठीक। तो अब ये जो रॉक है इसका डेटरियोरेशन जो है अलग अलग कंडीशन के आधार पे होता है, तो ये हमने जो है शुरू में ही डिस्कस कर दिया था, तो मैं उससे अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, बस सीधा नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेट, ALTER, अल्टरनेट, DRYING, अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग, WETING, अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग। फिर इसके बाद से दूसरा क्या है, रैन वाटर, रैन वाटर। फिर तीसरा क्या है, एसिड इफेक्ट, ACID, एसिड इफेक्ट। और ये सबसे ज़्यादा किस पे होगा, मोर इन CALCARIOUS। CALCARIOUS, कैलकेरियस रॉक, ठीक। फिर इसके बाद से चार नंबर पे वेजिटेशन, VEGETION, वेजिटेशन। और पांच नंबर पे लिखेंगे तो फ्रस्ट एक्शन, FRUST, फ्रस्ट एक्शन, ठीक। फिर छह नंबर पे टेम्परेचर वेरिएशन, TEMPERATION, RE, टेम्परेचर, VARIATION, टेम्परेचर वेरिएशन। और इसमें क्या होगा, वेजिंग, WEGING, वेजिंग। तो एक बार मैं थोड़ा थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग, तो इसका क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे हमारी रॉक हो गई, ठीक है ना। ये क्या है, रॉक है। तो क्या होगा कि ये क्या होगा कि इस पे जो है जो बादल है, तो बादल के द्वारा वर्षा होगी, तो वर्षा होगी तो क्या होगा कि ये रॉक है तो रॉक क्या होगी, गीली हो जाएगी, ठीक है ना, वाटर के द्वारा। और गीली हो जाएगी, फिर इसके बाद धूप होगा तो सूख जाएगी। तो जब गीली होगी और सूखेगी तो उसमें क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन होंगे, ठीक है, CHEMICAL, केमिकल रिएक्शन। कई सारे चीज़ें होंगी एक साथ, तो केमिकल रिएक्शन भी होंगे जब बार बार गीली हो रही है, सूखी हो रही, सूख रही है। तो अब ये रॉक है तो इसमें बहुत सारे क्या है, मिनरल हैं, तो इसमें क्या है, बहुत सारे मिनरल हैं, तो बार बार वाटर के संपर्क में आ रही है, फिर सूख रही है, फिर
वाटर के संपर्क में आ रही है, तो केमिकल रिएक्शन होंगे जिसके कारण जो है इसका जो है क्षरण होने लगेगा, मतलब कि ये टूटने लगेगी। ये पूरा जो है मेन रॉक है इससे सबसे ऊपर वाली परत पहले प्रभावित होगी, टूटेगी, फिर वो हट जाएगी, तो फिर इसके अंदर वाली, ठीक है ना, आप समझ रहे हो। फिर इसके बाद से रेन वाटर के द्वारा, तो जब वाटर होगा तो इस पे जो वाटर की बूंदे पड़ेगी, तो अब जान रहे हो कि वाटर ऊपर से वाटर का पानी ऊपर से गिरेगा, तो इस पे जो है एक इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है ना, इस पे एक इम्पैक्ट एनर्जी डालेगा। तो जैसे आप देखते हो कि बारिश होती है जमीन पे, तो जहाँ जमीन पे बूंदे पड़ती हैं वहां से माटी जो है, मिट्टी क्या होती है कि छिटकती है, ठीक है ना। तो ठीक वैसे ही जब बारिश पड़ेगा इस पे, तो ये रॉक है छिटकेगा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो इस पे एनर्जी, अपना इम्पैक्ट एनर्जी डालेगा, तो उससे क्या होगा कि इसमें जो है प्रभावित होगी, ठीक है। और इसके बाद से क्या होगा कि जो जो रॉक का पहले अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग के द्वारा या किसी और जो है माध्यम के द्वारा अगर क्षरण हुआ होगा, तो वो जो है वाटर के पानी के साथ जो है क्या होंगे कि बहने लगेंगे, तो बहने लगेंगे तो आपस में क्या होंगे, वो टकराएंगे, और टकराएंगे तो भी इसका जो है क्षरण होगा, ठीक है। फिर इसके बाद से एसिड इफेक्ट के कारण, एसिड इफेक्ट का मतलब है कि जैसे यहाँ पे वाटर से वर्षा हुई, तो इसमें कोई ऐसा केमिकल है जो वाटर से रिएक्शन करके एसिड बना लिया, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि एसिड रैन ही हो गया, ठीक है, एसिड रैन ही हो गया। तो एसिड रैन कब होगा, जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ज्यादा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, मेथेन होगा, ठीक है, अमोनिया होगा। तो ये सारी जैसे एनओ एक्स बोलते हैं, तो NO2 हो गया, NO3 हो गया, ये सब सारी गैसें रहेंगी वाटर में मिली हुई, तो ये एसिड का निर्माण करती हैं। तो एसिड का निर्माण करेंगी, तो जब ये चट्टानों पे बारिश होगा, तो वहां पे ये चट्टानों को क्या करेगा कि प्रभावित करेगा, ठीक है। अब जानते ही हो एसिड रिएक्शन होगा तो क्या होगा। तो ये सबसे ज्यादा जो है प्रभावित करता है किसको, तो ये सबसे ज्यादा जो है प्रभावित करता है कैलकेरियस रॉक को, ठीक है। सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करेगा, तो सबसे ज्यादा जो है कैलकेरियस रॉक को जो है प्रभावित करेगा, ठीक बात। तो अब कैलकेरियस रॉक में क्या होता है, कैल्शियम होता है, और इसके बाद से बारिश होती है, तो ज्यादातर तो बारिश जो है HNO3 होती है, ठीक है ना। तो अब इसमें से कुछ रिएक्शन होगा, ठीक है, मुझे पता नहीं क्या होगा। तो ये जो कैल्शियम है और ये एसिड है, चाहे मेथनोइक एसिड बन गया या CO2 मिलके अगर कोई एसिड का निर्माण, इसके द्वारा कोई एसिड का निर्माण होता है, तो वो इस कैल्शियम के साथ जो है रिएक्शन करके, तो जब ये कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगा, तो अब ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये कैल्शियम कहने का मतलब है कि कोई भी रॉक होती है जो कैलकेरियस रॉक है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होती है, तो वो CO3 जो है किसी और से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, और कैल्शियम जो है किसी और से रिएक्शन कर लेगा, तो क्या होगा, ये अलग अलग कंपाउंड बन जाएंगे, तो इसका मतलब हो गया कि उसका जो है क्षरण हो रहा है, वो मेन चट्टान है जो, वो नहीं रह जाएगी, ठीक है। और इसके बाद से वेजिटेशन एक्शन के द्वारा, तो वेजिटेशन का मतलब है कि इस पे जो है पेड़ पौधे उग गए, तो पेड़ पौधे अगर उग गए तो क्या होगा, अगर पेड़ पौधे उगने लगेंगे, तो इनकी जो जड़ें हैं, इनकी जो जड़ें हैं वो पेड़ इस रॉक के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इस रॉक के अंदर आएंगे तो क्या होगा कि इसमें जो है क्रैक्स उत्पन्न होंगे, और इसके कारण जो है ये रॉक जो है टूटने लगेगी, ठीक है। फिर इसके बाद से बात करें तो फ्रस्ट एक्शन, तो अगर इस पे कोई पेड़ पौधे उग गए हैं, इसमें क्रैक्स उत्पन्न हो गया है, या इस रॉक में वॉइड्स हैं, ठीक है, और मान लो इसमें थोड़े से दरार पड़े हुए हैं, क्रैक्स में हैं, या इनका जो है हमने एक पढ़ा था क्लीवेज, जो क्लीवेज वाली फेस है जहां से दो चट्टाने अलग हो रही हैं, तो वहां पे क्रैक्स होंगे, तो वहां पे क्या होगा कि उसमें वाटर जो है जाके रह जाएगा, ठीक है, वाटर जाके क्या रह जाएगा, रह जाएगा उसी में। तो क्या होगा कि जब उसमें ठंडी बरसात के मौसम में, सॉरी ठंडी के मौसम में अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक,
4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा या उससे नीचे पहुंचेगा, तो वो जो वाटर होगा वो जो है बर्फ के रूप में क्या होगा कि जम जाएगा। ठीक है, तो जब वो बर्फ के रूप में जम जाएगा तो क्या होगा, जैसे ये क्रैक्स हो गया, तो अब ये इसमें जो वाटर है वो बर्फ के रूप में जमेगा, तो वो क्या होगा कि उसका जो वॉल्यूम है वो आयतन जो है क्या होगा कि बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो आयतन अब जानते ही हो, पानी जो है बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ता है, तो अब वो क्रैक्स में है वहीं पे, अब उसका आयतन बढ़ रहा है, तो क्या होगा उसके आयतन बढ़ने के कारण जो रॉक है वो टूट के अलग होने लगेगी। ठीक है, फिर इसके बाद से टेम्परेचर वेरिएशन, तो टेम्परेचर वेरिएशन पे हमने डिस्कस करा था कि क्या होगा इसमें कि जो रॉक है उनमें अलग अलग मिनरल हैं तो उनका केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है, और इसके कारण जो है थर्मल कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन यानी कि ऊष्मीय प्रसार गुणांक, ऊष्मीय प्रसार गुणांक, ठीक है, तो ऊष्मीय प्रसार गुणांक क्या है, अलग अलग है, तो टेम्परेचर ज्यादा वेरी करेगा तो जितना ज्यादा वेरी करेगा उतना ज्यादा जो है क्या होगा कि उसमें प्रसार गुणांक के कारण जो है अलग अलग जो है कंपाउंड इसमें के वो अलग अलग एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो इनके कारण क्या होगा कि क्रैक्स उत्पन्न होंगे और इसके बाद से चट्टान जो है टूट करके गिरने लगेगी। ठीक है, तो ये जो है कुछ कारण है, इसके अलावा और भी कारण है, ठीक है, लेकिन सारे को जानना उतना ज्यादा कोई वो नहीं है, तो ये कुछ कारण है जिनके द्वारा जो है जो चट्टाने हैं उनका जो है क्या होगा क्षरण होगा। फिर हम इसके बाद हम बात करते हैं कि इनको जो है हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, तो हम बात कर लेते हैं प्रिजर्वेशन की, P R E S E R V A T I O N, प्रिजर्वेशन ऑफ रॉक, तो इन चट्टानों को जो है हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, तो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, यहाँ पे लिख लेना संरक्षण, संरक्षण या किसी को संरक्षण में दिक्कत हो रही हो तो इसको मतलब रख कर लो सुरक्षित, अब समझ में आ रहा होगा सुरक्षित, तो दोनों में से कोई सा भी वर्डिंग लिख दो ताकि आपको समझ जाए, तो प्रिजर्वेशन का मतलब हो गया कि हम जो है रॉक को कैसे सुरक्षित रखेंगे। तो पहली विधि है कोलतार, ठीक है, कोलतार क्या होता है, तो ये जैसे कि कोयले जलाए जाते हैं तो उससे जो है ये प्राप्त करे जाते हैं, लकड़ी जला करके जो कोयला बनता है वहां से जो है ये लिक्विड होता है वहां से प्राप्त किया जाता है कोलतार। ठीक है, तो अब ये क्या किया जाता है कि ये स्टोन आपने देखा होगा बचपन में कि जो हमारी घर थी, आपने ऐसे देखा होगा कि जो हमारा घर था उस ये घर हो गया, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ थोड़ा सा, ये जो है घर हो गया, ठीक है, और ये इसका क्या हो गया, मतलब ये इसका कुर्सी हो गया ना, PLINTH, प्लिंथ, ये कुर्सी लेवल हो गया और ये घर हो गया। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि क्या होता था कि ये जो कुर्सी के नीचे वाला भाग है ये सारा का सारा, इस नीचे जो है काला सा जो है कोई लेप जो है पोत दिया जाता था, ठीक है, काला सा, और क्या होता था कि वो जो है उसमें से जो है गंद आती थी जो थोड़ी सी अच्छी भी लगती थी, तो ये काला सा जो है पूरे कुर्सी लेवल के नीचे चारों तरफ जो है लेप कर दिया जाता था, वही क्या होता था कोलतार, तो उसी कोलतार को जो है हम जो है जो रॉक है उस पे भी हम जो है अप्लाई कर सकते हैं, उस पे भी जो है लेप लगा सकते हैं उसका, जिससे क्या होगा कि वो जो है प्रिजर्व रहेगा, वो क्या रहेगा संरक्षित रहेगा, उसको जो है बचाया जा सकता है। ठीक है, जो बाहरी इफेक्ट पड़ेंगे उसके द्वारा, तो अब जब बताओ कि हम जो है इस पे काला सा कोलतार हम लपेट दिए हैं लगा दिए हैं, तो क्या हम उसे बिल्डिंग के एकदम फ्रंट साइड में यूज करेंगे, तो हम जो है नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो काला सा है एकदम भद्दा सा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा,
तो उसको हम वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे जो है मतलब कि दिखे ना, ठीक है, जहाँ पे वो जो वाल है या जिस भी स्ट्रक्चर में हम यूज कर रहे हैं या जहाँ भी हम यूज कर रहे हैं वो जो है देखे ना, मतलब कि हमारी जो बिल्डिंग होगी, स्ट्रक्चर होगी, उसका जो है शोभा ना बिगाड़े। आ रही बात समझ में? फिर इसके बाद से दूसरे नंबर पे आते हैं लिंसिड ऑयल, LINSEED, लिंसिड ऑयल। ऑयल मतलब होता है तेल और लिंसिड मतलब होता है तीसी। तो सीधा सीधा मैं ठेठ भाषा में लिखता हूँ, तीसी, तीसी का तेल, ठीक है। इस लिंसिड को हिंदी में जो है हम लोग देहाती भाषा में तीसी समझते हैं, और पता नहीं आप लोग क्या समझते होंगे। तो ये जो है जाड़े के मौसम में बोया जाएगा, जब जो है मसूर की खेती होती है, जो दालें बोई जाती हैं, चना बोया जाएगा, और जब सरसों लगाए जाएंगे, फिर इसके बाद से गेहूं बोया जाएगा, ये सब सारे जो है एक साथ बोए जाते हैं, तो उसमें जो है तीसी बोया जाता है, ठीक है ना। एक तो होता है सरसों, जिसको आप जानते हो सरसों, फिर ये तीसी है। तीसी मतलब पतला सा होता है, और इसमें जो है ऐसे ऐसे इसके मतलब होते हैं, और इसी में इसके दाने जो है ऐसे निकलते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे दाने जो है इसके निकलते हैं। तो शायद आप लोग अब जान गए होंगे मैंने तीसी बता दिया है। तो इसको क्या करते हैं कि हम स्टोन के सरफेस पे जो है लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि उस पे जो है बाहरी इफेक्ट जो है कम पड़ता है, ठीक है ना। तो तीसी का तेल आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तीसी का तेल। तो अब इसको हम ना दो तरीके से लगाते हैं, मतलब दो तरीके से। एक तो रा लिंसीड ऑयल, RAW, रा LINSEED, लिंसीड ऑयल, और एक बॉइल्ड, BOILED, वाइल्ड, LINSEED, लिंसिड ऑयल। तो रा मतलब है कि कच्चा, ठीक है, रा मतलब क्या होता है, कच्चा, और बॉइल का मतलब होता है उबाल के, ये तो आप समझ रहे हैं। तो देखो क्या होता है कि ये जो तीसी है, तो जब हम इसको मशीन में से निकाल के लाते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि सीधा मशीन में जो तेल पेरने वाली मशीन होती है, सीधा उसमें से पेर करके ला करके और स्टोन के सरफेस पे हम सीधा लगा सकते हैं। एक तो ये हो गया रा लिंसिड ऑयल, ठीक, और दूसरा हो गया कि उसको उबाल करके, ठीक है ना। तो जब हम उस तेलवा को उबालेंगे तो उसमें से बहुत सारा जो है बुलबुला झाग निकलेगा, ठीक है ना, और वो जब पूरा उबल जाएगा तो ये झाग निकलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो वो अब पक जाएगा, ठीक है। तो अब इसको भी लगा सकते हैं। आपको पता नहीं आपके घर में होता हो कि नहीं, जब मेरी दादी थी तो वो जो है एक चावल और गेहूं फटकने के लिए जो है उसमें से भूसी और कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े निकालने के लिए जो है एक सूप यूज किया जाता है गाँव में, ठीक है, शायद शहरों में भी यूज किया जाता होगा, तो मैं गाँव में ही रहता हूँ। तो ये जो सूप होता है उस पे भी पता नहीं किसी और चीज़ को मिला करके, और ये तीसी का जो तेल होता है उसको भी लगा करके और इसमें पूरा कर दिया जाता था। और ये जो सूप होता था ना, ये जो सरकंडे होते हैं उसके होते थे, ठीक है, उसके बने होते थे, तो ये ज़्यादा दिन तक चलते थे। तो अब जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे बाद में समझ में आती थी कि काहे उसे लगाते थे, ठीक। तो इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं दो तरीके से, एक कच्चे तरीके से और एक बॉयल करके, ठीक बात। अब आगे बढ़ते हैं, और अगला विधि है पेंट, PAINT। तो हम इनके अलावा क्या कर सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल तो पेंट का जमाना ही है, चाहे कहीं भी जाओ कहीं भी देखो तो सारे जगह जो है पेंट ही दिख रहे हैं। तो पेंट जब हम कर देंगे तो भी क्या होगा कि वो जो है जो भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट आएगा, पहले पेंट पे ही पड़ेगा, इसके बाद ना स्टोन पे जाएगा। तो पेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद से पैराफिन जो होता है, पैराफिन होता है कुछ पदार्थ, और इसके बाद से
नेफ्था होता है, तो पैराफिन को जो है नेफ्था में घोल करके स्टोन के सरफेस पे लगा सकते हैं, ठीक है। PARAFIN, पैराफिन को नेफ्था, NEPTHA, नेफ्था में, पैराफिन को नेफ्था में घोल कर स्टोन के सरफेस पर लगाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि ये पैराफिन जो है, देखो पैराफिन कोई मटेरियल है और ये नेफ्था कोई अलग मटेरियल है, ठीक है। तो शायद आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, नहीं तो इसको आप नेट से सर्च करके देख लीजिएगा। तो पैराफीन और नेफ्था दो अलग-अलग मटेरियल हैं, ठीक है ना। तो ये नेफ्था क्या है, नेफ्था जो है लिक्विड फॉर्म में होगा, तो पैराफीन को क्या करेंगे कि इसको नेफ्था में घोल देंगे, ठीक है। जैसे ये कोई बर्तन हो गया, इसमें क्या है नेफ्था भरा हुआ है और इसी में हम क्या करेंगे कि इस नेफ्था को डाल दिए, तो ये घोल के पूरा सॉल्यूशन बना लेंगे और इस सोल्यूशन का लेप जो है ये स्टोन है, तो इस स्टोन के सरफेस पे पूरा हम लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसका यूज करेंगे। और ये जो बातें यहाँ पे लिखी जा रही हैं ये एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, वैसे तो नहीं लिखी जा रही, तो आप लोग हल्के में मत लेना इनको। अब जैसे पैराफिन को जो है पूछा जाता है, फिर ये जो लिखेंगे वो भी पूछा जाएगा। सोल्यूशन SOLUTION, सोल्यूशन आप सोप, SOAP, सोप एंड एलम, ठीक है। तो सोप मतलब होता है साबुन और एलम मतलब होता है फिटकरी। तो साबुन, सोप मतलब सरफ, सरफ सरफ समझ लो या साबुन समझ लो, वैसे सोप को सरफ बोला जाता है ना। तो सोप साबुन या सर्फ जो भी होगा, तो सोप ये कोई जैसे हम लोग जो नहाते हैं वो वाला नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये कोई अलग होगा, नहाते धोते हैं जो सर्फ यूज करते हैं हम लोग, डिटर्जेंट, वो वाला नहीं है, ठीक। तो गाँव में सर्फ बोलते हैं उसको, सोप मतलब साबुन, ये समझते हैं। तो ये जो सोप है, तो इस सोप में और ये जो एलम है, तो ये क्या करते हैं दोनों को आपस में जो है घोल देते हैं, ठीक है। और घोल करके स्टोन के सरफेस पे जो है लगा करके और उसको जो है प्रिजर्व करते हैं, संरक्षित करते देते हैं। तो इस पे क्या होगा कि जो बाहरी एनवायरमेंटल इफेक्ट होगा वो कम होगा, ठीक। फिर इसके बाद से बेराइटा का यूज करते हैं, BARYTA, बेराइटा को कहते हैं बैरियम, BARIUM, बैरियम हाइड्रोक्साइड, HYDROXID, बैरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस बैरियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं और इसमें जो है इसका उपयोग जो है उस चट्टान में करेंगे जिसमें क्या होगा कि जिप्सम की मात्रा जो है रहेगी, ठीक है ना। तो जिसमें जिप्सम की मात्रा हो CaSO4, CaSO4 × 2H2O होता है शायद जिप्सम, जिसमें जिप्सम होगा उसमें हम क्या करेंगे कि बेराइटा को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है नोट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे इसका यूज उस चट्टान के लिए करते हैं जिसमें SUM जिप्सम की मात्रा क्या हो, उपस्थित हो। तो जिसमें जिप्सम की मात्रा उपस्थित रहेगी उसमें हम जो है वेराइटा का यूज करेंगे, है ना। तो
तो ये जो है कुछ विधियां थी जिनके द्वारा जो है हम स्टोन को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, और ये जो कुछ विधियां थी जिनके द्वारा जो है स्टोन का क्या होता है, क्षरण होता है, ठीक है। तो ये जो है हमने कवर कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद से अब हम पढ़ते हैं कि जो स्टोन है जो हमारी रॉक है उस पे जो है कौन कौन से जो है टेस्ट करे जाते हैं, ठीक है ना। जो स्टोन है जो हमारी रॉक है उस पे जो है कौन कौन से टेस्ट करे जाते हैं। तो देखो वैसे तो टेस्ट जो है बहुत सारे करे जाते हैं, ठीक है। तो हम जो है केवल वही टेस्ट पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। वैसे हम पढ़ने लगेंगे तो बहुत सारा कुछ हम पढ़ डालेंगे, लेकिन जो है हमें ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना है। तो हमें जो है वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हम जो है टेस्ट पढ़ेंगे, और टेस्ट में हम चलो मैं ये वाला लेता हूँ, ठीक है। तो हम जो है हेडिंग डालते हैं, अगली हमारी हेडिंग रहेगी क्या, तो अगली हेडिंग रहेगी टेस्ट, ठीक है। तो स्टोन पे जो है कौन कौन से टेस्ट जो है करे जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट। एक होता है जो खाने में टेस्ट होता है, ठीक है, और एक जो होता है किसी चीज़ में उसकी स्ट्रेंथ याद करने के लिए टेस्ट करते हैं। तो ये जो टेस्ट की स्पेलिंग लिखी है उसको जो है जरा वो कर लेना, देख लेना, ठीक है। वैसे मैं टेस्ट ही लिखूँगा, और वो शायद TEST होता है, ठीक है ना। तो टेस्ट ऑफ स्टोन, ठीक बात। तो स्टोन पे जो है कौन कौन से जो है टेस्ट करे जाएंगे। तो स्टोन पे जो है हम कुछ टेस्ट हैं, मैं उनको नोट करता हूँ, और इनको जो है एक एक करके पढ़ेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला टेस्ट हम पढ़ेंगे वाटर, WASOR PTION, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ठीक है। फिर दूसरा टेस्ट हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, SPECIFIC, स्पेसिफिक GRAVIT, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक बात। फिर तीसरा टेस्ट हम पढ़ेंगे एवरेशन टेस्ट, ABRASION, एवरेशन टेस्ट। फिर चौथा टेस्ट पढ़ेंगे एट्रिजन, AWTRISION, एट्रिजन टेस्ट, ठीक है। वैसे तो ये एब्रेशन का ही पार्ट है एट्रिजन टेस्ट, पर हम इसे अलग से यहाँ पे नोट कर देते हैं। फिर पांचवें नंबर पे हम पढ़ेंगे क्रशिंग, CRUSHING, क्रशिंग। कुछ जो है गाड़ी आ रही है, ठीक है ना। तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा अगले वीडियो में।